हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, हम अपने डेली कन्वर्सेशन में अक्सर सीखे गए वाक्यों का प्रयोग बहुत करते हैं कि बुरी आदतों से हर कोई छुटकारा पाना चाहेगा, या फिर क्या तुम सारी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो, या फिर कुछ इस तरीके से कि मैं उसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्ट्रक्चर। इसमें हमें सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा या फिर वन टू, ठीक है। फिर आपका गेट रिड ऑफ, जिससे भी छुटकारा पाना चाहते हो तो उसको वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर कोई अगर अदर वर्ड्स है तो वो आ जाएंगे, ठीक है। जैसे गेट रिड ऑफ मी, गेट रिड ऑफ यू। तो गाइज, हमारी वेबसाइट है इंग्लिश की लर्निंग डॉट इन, जिस पर कि आपको इस तरीके के ढेरों एडवांस स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, जो कि आपके डेली कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करेंगे और साथ ही आपकी अंग्रेजी को बेहतर करेंगे। तो एक बार आप जाकर जरूर देखिए इंग्लिश की लर्निंग डॉट इन, लास्ट में डॉट इन है। आइए देखते हैं वाक्य किस तरीके के वाक्य को बोलेंगे हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, भाई परेशान हो गया। तो यहाँ पे हमने चाहता हूँ आ रहा है, इसलिए लगाया वांट। तो आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, उससे छुटकारा। तो गेट रिड ऑफ हिम, आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम। आइए अगला वाक्य देखते हैं। क्या तुम सारी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो? पूछते ना किसी किसी से, जैसे आपस में, भाई क्या तुम सारी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो? तो डू यू वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, परेशानी मतलब प्रॉब्लम। और क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया तो हमने डू लगाया सब्जेक्ट के पहले। डू यू वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। अगला वाक्य देखते हैं। आपको इतनी आसानी से सभी चीज़ों से या सभी परेशानियों से छुटकारा नहीं मिलेगा भाई, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यू वांट गेट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया वांट। यू वांट गेट रिड ऑफ एवरीथिंग, सब चीज़ों से, सो ईजिली, इतनी आसानी से, ठीक है। तो यू वॉन्ट गेट रिड या फिर यू विल नॉट गेट रिड ऑफ एवरीथिंग सो ईजिली। गाइस, होपली आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आइए एक और वाक्य देखते हैं। बुरी आदतों से हर कोई छुटकारा पाना चाहेगा, है ना भैया, कोई हर एक कोई चाहता ही है जो उसकी बुरी आदतों से छुटकारा मिल जाए, ठीक है। तो एवरी वन वुड लाइक टू गेट, हमने यहाँ पे वुड यूज करा है, ठीक है, चाहेगा, पसंद कर रहा है मतलब। तो एवरी वन वुड लाइक टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। तो गाइस, होपली आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वाले वाक्य की अंग्रेजी बनाई के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं, हम आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो गाइस, होपली आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।